ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर थ्योरम की, तो स्ट्रक्चर थ्योरम में जो हमने चीजें देखी हैं, तो फर्स्ट वन इज सीक्वेंस। तो जब बेटा हम सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू बी एग्जीक्यूटेड, कि वो ऑर्डर लिस्ट जिसके अंदर आपने स्टेप्स मेंशन किए होते हैं और उनको एग्जीक्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शंस। ठीक है, अब बेसिकली इससे होता है क्या है बेटा, ये आपको डिटरमाइन करके देती है कि किस स्टेप को कब परफॉर्म होना है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि डिटरमाइंस एन ऑर्डर इन विच वन स्टेप फॉलोज द अदर, कि आपका एक स्टेप दूसरे स्टेप को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि आप तब तक एवरेज ही कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा जब तक आपके पास सीरीज ऑफ नंबर ना हो। सीरीज ऑफ नंबर से मुराद ये है कि एटलीस्ट यू हैव टू नंबर टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ अ नंबर। ठीक है, कि आपका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है बेटा, वो क्या है कि एटलीस्ट आपके पास दो नंबर्स होने चाहिए जिनको आप यूज करके क्या कर सकते हो बेटा, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास मिनिमम दो नंबर भी नहीं है तो यू डोंट एबल टू कैलकुलेट अ एवरेज ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसी तरह बेटा सेकंड चीज है लूप। लूप क्या होते हैं, लूप इज अ रेपिटेशन फॉर ऑल सम पार्ट्स ऑफ द कमांड स्टेप। कि लूप बेसिकली रेपिटेशन होता है कुछ पार्ट्स ऑफ कमांड के, जिसमें जैसे लेट सपोज आपने जो है वो कहा हो कि मुझे जो है वो एक नंबर प्रिंट करके दो, मतलब एक सीरीज प्रिंट करके दो 1 से लेके 100 तक की। तो क्या आप बार बार लाइन प्रिंट करेंगे? नहीं, आप क्या करते हो बेटा, एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हो जिसमें आप जो है वो मेंशन कर देते हो कि इस लूप को रिपीट होना है एंटिल कितने टाइम, वो आप टाइम मेंशन करते हो। जैसे अ लूप हैज अ काउंटर, एक काउंटर होता है मींस के वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू गिवन होती है, और आप क्या करते हो, आप कहते हो कि इसको कंटिन्यू करो कब तक, जब तक वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम आपकी रिक्वायरमेंट वाले अचीव ना हो जाए। तो हम क्या कहते हैं, लूप में ऑल्सो कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा बेटा, जब तक लूप की कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन और अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट, या फिर तब तक चलता रहना चाहिए जब तक वो कंडीशन मेट नहीं हो, मीट नहीं हो जाती जितनी जो आपने कही है। ठीक है, तो जैसे वो कंडीशन मेट होगी तो आपका जो लूप है वो फौरन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अंटिल द एंड ऑफ अ फाइल और अंटिल द नंबर रीचेस अ सेट लिमिट। तो आपके पास दोनों चीजें होती हैं कि आपने लेट सपोज आपने कहा, यहाँ आप अगर व्हाइट बोर्ड को देखो बेटा, तो यहाँ समझाता हूँ मैं आपको कि आपके पास लेट सपोज लूप है, तो लूप में आपके पास दो चीजें, आपने कहा वेरिएबल मेरा जो है वो आपने कहा कि एक वेरिएबल है, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, आपने इनिशियलाइज करवाया और आपने लूप लगा दिया कि इन वैल्यूज को रिपीट करना है, मतलब काउंटिंग को रिपीट करना है कब तक, जब तक ए जो है बेटा वो लेस देन 100 ना हो जाए। तो वो क्या करेगा बेटा, सीरीज प्रिंट करता रहेगा। तो ए इज इक्वल टू 1 से आपने इनिशियलाइज कराया था, ठीक है, और आपने कहा कि इसको प्रिंट करो इस सीरीज को 100 तक। तो क्या होगा बेटा, 1, 2, 3, 4 टिल, जब तक जैसे ही 100 होगा बेटा वो लूप जो है वो रेपिटेशन जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप जो है बेटा उस लूप में आप मेंशन करते हैं चीजें कि आप जो है वो लूप को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देन आपके पास स्ट्रक्चर थ्योरम में था रेपिटेशन फॉर एक लूप है बेटा, जैसे यहाँ अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, देखिए फॉर लूप लिखा हुआ है। फॉर लूप के अंदर क्या बेटा, आपने कहा कि कोई नंबर है जो 1 है, उसकी कंडीशन लिखी हुई है कि नंबर लेस देन 10 होना चाहिए, और नंबर में प्लस प्लस का मतलब बेटा एक इंक्रीमेंट करते जाओ। तो इंक्रीमेंट करते जाओ तो इसमें मुराद क्या होगा बेटा, कि आपने ये जो कोड लिखा है बेटा, इस कोड का जो रिजल्ट होगा वो मैं बताता हूँ आपको, कि 1 से शुरू होगी काउंटिंग और 9 तक प्रिंट होगी, तो 10 तक प्रिंट होगी। तो जैसे ही वो यहाँ 10 प्रिंट होगा, उसके बाद आपका लूप एंड हो जाएगा और फिर जो है वो आपको सीरीज नजर आ रही होगी। ठीक है, तो फॉर एक लूप है बेटा जो रेपिटेशन के लिए यूज होता है। फॉर इज अ लूप दैट अलाउज स्टेप्स टू बी रैपिडली एग्जीक्यूटेड, कि आपके जो स्टेप्स हैं बेटा वो एग्जीक्यूट होते रहे। किस तरह, जो आपने कंडीशंस लिखी हैं, पहले आपने देखे इनिशियलाइज करवाया नंबर को कि आपका नंबर जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, और देन फिर आपने जो है वो दूसरी चीज क्या कही, आपने दूसरी चीज कही कि आपका जो नंबर है कब तक रिपीट होना चाहिए, कंडीशन लिख दी नंबर लेस देन 10, और फिर आपने आगे इंक्रीमेंट लिख दिया कि इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए उस नंबर के अंदर, वो आपने लिखा है 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, और यहाँ पे आपने डिस्प्ले नंबर का, तो मींस के नंबर प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये तब तक प्रिंट होगा बेटा जब तक 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट नहीं हो जाती। इसी तरह एक और लूप होता है बेटा जो है वो व्हाइल लूप कहलाता है। इसमें क्या होता है बेटा, इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज स्टेप टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन, सेम एज इट इज। इसी तरह फॉर की तरह है, बस इसमें फर्क क्या होता है बेटा कि आप जो है लिखने का मेथड भी अलग है इसका थोड़ा सा, और इसमें क्या है बेटा आपकी स्टेटमेंट जो है वो रेपिटेडली उसी तरह रिपीट होंगी जिस तरह फॉर में थी। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद जैसे ही वो उस गिवन कंडीशन तक पहुंचेगा तो जो है वो आपका लूप स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा दो चीजें थी, यहाँ तो आप क्या कह रहे थे कि जब यहाँ 10 प्रिंट होगा उसके बाद आपका लूप दोबारा जाएगा, मीन्स के दोबारा नंबर चेक होगा, वो होगा 11, 11 लेस देन 10 है, मतलब ये वाला काम होता है। लेकिन वाइल के लूप में ऐसा नहीं होता, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, जैसे कंडीशन चेक होगी बेटा
तो वो आपका लूप नहीं चलता। मीन्स के फॉर और वाइल के लूप में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉर का लूप जो कंडीशन होती है उससे एक टाइम ज्यादा चलता है, और जब वाइल का लूप है वो बेटा उतने ही टाइम चलता है जितने टाइम कंडीशन होती है। तो आपने याद रखनी है बात, ठीक है। तो नंबर इज इक्वल टू वन इनिशियलाइज करवाया, फिर आपने कंडीशन लगाई वाइल नंबर लेस देन 10 हो तो डिस्प्ले करो नंबर, और फिर नंबर में क्या करो एक इंक्रीमेंट कर दो। लेट सपोज आपके पास नंबर आया 2, तो नंबर में क्या था 2 आ गया, तो 2 में 1 ऐड करो 3 हो गया। तो अब जब दोबारा नंबर यहाँ की कंडीशन चेक होगी तो वो होगा 3 इज लेस देन 10 और नॉट। तो इस तरह ये बेटा इसको काम करता है। इसी तरह बेटा एक और लूप है, तो डू वाइल का लूप है। स्टेटमेंट डेट परफॉर्म्स दी एक्शन एट लीस्ट वंस, ये एक बार लाजमी चलता है कंडीशन मीट हो ना हो, लेकिन इसका जो बेसिकली एस्पेक्ट है वो ये है कि डू वाइल का लूप एक दफा मस्ट चलता है। यहाँ अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही होती बेटा दोनों के अंदर तो नहीं चलता लूप, लेकिन यहाँ ये यह है कि एक बार लूप चल जाता है, फिर अगर वो मैंशन कंडीशन मीट हो रही होती है तो ठीक है, अदरवाइज जो है बेटा वो प्रॉब्लम ये होती है कि ये लूप एक बार एक्स्ट्रा चलता है ये भी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरम कैसे लिखते हैं बेटा, तो यहाँ अगर आप देखें यू हैव टू राइट एंड रीड एंड प्रिंट 10 रिकॉर्ड्स यूजिंग व्हाइल लूप से अगर प्रिंट करना है तो क्या होगा, स्टार्ट एंड, ये एल्गोरिथम का जो मैंने आपको मेथड बताया कि एल्गोरिथम ऐसे लिखा जाता है, देन यू हैव सेट टोटल, टोटल में आपने क्या रखा शुरू में 0, कि 0 से स्टार्ट हो। व्हाइल टोटल इज लेस देन 10, कंडीशन क्या रखी है टोटल लेस देन 10 होना चाहिए। यहाँ करेगा रीड रिकॉर्ड के रिकॉर्ड के अंदर क्या मौजूद है, प्रिंट करेगा रिकॉर्ड को। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 एंड वाइल, इस तरह की लूप जब एंड वाइल पे आएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या है बेटा, आपने शुरू में देखा टोटल में क्या आया 0, 0 लेस देन 10 है तो बिल्कुल है, तो प्रिंट करो रिकॉर्ड मींस के 0 प्रिंट कर दो। टोटल इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 हो गया। अब दोबारा जब टोटल में आएंगे तो टोटल में क्या रखा हुआ है बेटा 1 रखा हुआ है, तो 1 इज लेस देन 10 हाँ है, फिर आप यहाँ प्रिंट करोगे, ठीक है। और टोटल इज इक्वल टू फिर इसी तरह 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 जब तक 10 तक नहीं आते, तो ये इसी तरह प्रिंट होता रहेगा। तो द वेरिएबल टोटल इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द लूप कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, तो देखिए बेटा आपने टोटल को लूप चलने से पहले सेट किया था, ठीक है। इट्स इंक्रीमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द लूप सो द लूप विल इवेंचुअली स्टॉप, और जो आप इसके अंदर सम परफॉर्म कर रहे हो बेटा वो लूप के अंदर कर रहे हो, जो इंक्रीमेंट है ना इस टोटल के अंदर वो आप लूप के अंदर कर रहे हो। तो क्या होगा बेटा कि जब भी एग्जीक्यूट होगा इंक्रीमेंट होगा वो लूप की बॉडी के अंदर होगा, इस तरह क्या होगा बेटा कि इवेंचुअली आपका लूप जैसे ही कंडीशन को मीट करेगा स्टॉप कर जाएगा। अब जो थर्ड पॉइंट था बेटा वो था सिलेक्शन, जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर थ्योरम का जो थर्ड पार्ट था वो था सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होती है बेटा कि इफ यू हैव इफ एल्स कंडीशन, तो इफ देन कंडीशन जो होती है ना बेटा हम उनको सेलेक्शन क्राइटेरियाज कहते हैं। समटाइम्स वी नीड टू पुट अ सर्टेन कंडीशंस बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्शन, कि हमें बेटा समहाउ क्या करना होता है कंडीशंस चेक करनी होती है बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्शन, कि हमें एक्शन परफॉर्म करने से पहले कुछ कंडीशंस देखी होंगी, अगर वो कंडीशंस ट्रू हैं तो एक्शन परफॉर्म होगा, अगर नहीं है तो फिर उसको वो एक्शन परफॉर्म नहीं होता। जैसे इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, तो बेसिकली इफ देन लूप जो होता है ना उसकी बात हो रही है यहाँ। तो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एक्शन होगा, अदरवाइज एल्स नॉट, वरना नहीं होगा। तो सिलेक्शन क्या करता है बेटा, सिलेक्शन कंपेयर करता है टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और उसमें से कोई एक सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इफ एल्स स्टेटमेंट एंड कीवर्ड्स, नॉर्मली जो इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए यूज होते हैं वो हैं इफ देन एल्स और एंड इफ। तो ये कुछ टर्म्स हैं बेटा, कीवर्ड्स हैं जो आप इफ स्टेटमेंट के लिए यूज करते हो, ठीक है। मतलब अगर आपसे कहा जाता है कि इन प्रोग्रामिंग यू हैव अ सिलेक्शन ब्लॉक ऑफ अ स्ट्रक्चर थ्योरम, तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट अ इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ स्टेटमेंट ऑलवेज हैज अ कंडीशन, जो इफ की स्टेटमेंट होती है ना बेटा उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई कंडीशन लिखी होती है जिसे आपको चेक करना होता है। वो चेक किस लिए करते हैं, ऑफन अ कंपेरिजन बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ नंबर। अक्सर वो बेशतर बेटा क्या होता है उसके अंदर आपका कंपेरिजन परफॉर्म किया हुआ होता है, या जो है वो कोई नंबर और वेरिएबल के दरमियान हम कंपेरिजन चेक कर रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज इफ वी से डेट के 2 इज ग्रेटर देन 5 और नॉट, तो ये दो नंबर्स का कंपेरिजन है, तो ये इफ की स्टेटमेंट चेक हो रही है कि अगर 2 ग्रेटर देन 5 हो तो ये करो, अगर नहीं हो तो ये करो। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है ना बेटा उसके अंदर हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स जो है बेटा उनको कंपेयर यूज करते हैं। तो द इफ स्टेटमेंट ऑल्सो मस्ट स्पेसिफाई वॉट टू डू इफ कंडीशन कंपेरिजन इज ट्रू, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, वॉट टू डू इफ कंडीशन कंपेरिजन इज ट्रू, तो हमें क्या करना होगा बेटा, दीज इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रू कम्स आफ्टर द वर्ड देन। तो आपके पास जो ट्रू का पार्ट होगा बेटा
देन का पार्ट जो है वो आप प्रिंट कर देंगे जो देन के ब्लॉक पे लिखा होगा, वरना फिर आप अगर ट्रू नहीं हो रही होगी कंडीशन तो फिर आप एल्स वाला पार्ट प्रिंट करते हैं कैसे, वो अभी एग्जांपल में आ जाएगा। देखिए बेटा, अगर आपके पास इफ देन एंड इफ सिंगल इफ की कंडीशन है, सिंगल इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आइदर परफॉर्म एन एक्शन इफ अ कंडीशन इज ट्रू और स्किप द एक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो इफ देन स्टेटमेंट में अगर सिंगल इफ की बात करें, जैसे ये लिखा हुआ इफ देन एंड इफ देन एंड लिखा है ना बेटा, तो इफ देन एंड में क्या होगा बेटा, आपके पास एक ही स्टेटमेंट मौजूद होगी, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको एक्शन परफॉर्म करना है, वरना कंडीशन फॉल्स है तो वो स्किप कर जाएगा, मीन्स के कोई और काम परफॉर्म नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास इफ एल्स एंड हो, तो देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, इफ डबल इफ कंडीशन। तो डबल इफ कंडीशन के अंदर क्या है, एंड इफ जो लिखा है इसी तरह, एंड इफ यहाँ पे था तो ये सिंगल इफ था, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देखते हैं तो ये आपके पास डबल इफ है। डबल इफ में क्या है, स्टेटमेंट परफॉर्म एन एक्शन इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो देखिए बेटा, जब सिंगल इफ था तो ये क्या कर रहा था, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोई एक एक्शन परफॉर्म कर रहा था वरना स्किप हो रहा था। लेकिन जब आपके पास डबल इफ है तो बेटा देखें कि इसमें से जो कंडीशन ट्रू है तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो कोई और काम परफॉर्म करेगा जो आपने वहां मेंशन किया होगा। तो डबल इफ में ये है। इसी तरह बेटा मल्टीपल इफ की स्टेटमेंट है, जैसे इफ एल्स एंड, तो क्या है, मल्टीपल इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स परफॉर्म वन ऑफ द मेनी डिफरेंट एक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। उन मल्टीपल इफ्स को देखते हुए बेटा दे विल डिसाइड कि उसको कौन से इफ को प्रिंट करना है, कौन से इफ को जो है वो समझ लें कि आपने स्किप करना है। जैसे मल्टीपल इफ की अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मार्क्स जो है वो 90 एंड अबव हो तो 90% दे दें, अगर मार्क्स जो है वो 75 से अबव हो तो ए ग्रेड दे दें, या मार्क्स 90 से अबव हो तो ए प्लस दे दें, और 80 से कम हो तो ए दे दें, और 70 से कम हो तो बी दे दें, और 60 से ज्यादा हो तो सी दे दें। तो ये मल्टीपल इफ की कंडीशन है बेटा। तो इसमें से जो कंडीशन, जो आपके मार्क्स आ रहे होंगे उस हिसाब से आपका ग्रेड जो है बेटा वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह बेटा आपके पास नेस्टेड इफ की एक कंडीशन होती है। नेस्टेड इफ में क्या होता है बेटा, नेस्टेड इफ में कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखी होती है, मीन्स के ये कंडीशन है, इसमें इसके अंदर एक और कंडीशन है। तो ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो बेटा ये हम कहते हैं कि दीज आर नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, मीन्स इफ स्टेटमेंट इन साइड अनदर इफ स्टेटमेंट, इट इज इफ स्टेटमेंट इज टारगेट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपके पास मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक दूसरे के अंदर नेस्टेड है। नेस्टेड मीन्स के ये पहली कंडीशन जो इनर वाली है वो ऊपर वाली कंडीशन का पार्ट है। तो ये आपके पास इफ नेस्टेड इफ की कंडीशन होती है। इसी तरह बेटा आपके पास स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। स्विच में भी यही होता है बेटा कि आपको कौन से इफ को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी आपको ग्रेड की एग्जांपल दी थी ना, इस 90 से मार्क्स ज्यादा हैं तो आप जो है वो ए प्लस दे दें, 80 से ज्यादा हैं तो ए दे दें, 90 से ज्यादा हैं तो ए माइनस दे दें। तो दीज आर द कंडीशंस व्हिच वी सेलेक्ट इन अ स्विच स्टेटमेंट। जैसे यहाँ देखें बेटा, यहाँ पे उन्होंने सिंगल इफ को लिखना सिखाया है। अगर आप सिंगल इफ लिख रहे हैं तो बेटा ऐसे लिखा जाएगा, डबल इफ को लिख रहे हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास सिंगल एक स्टेप था, वरना जो है वो स्किप करना था। यहाँ आपके पास क्या है बेटा, दो स्टेटमेंट है, आपने ये करना है या फिर ये करना है, दो स्टेटमेंट्स हो गए डबल इफ के अंदर। इसी तरह मल्टीपल इफ के अंदर देखें बेटा, मल्टीपल कंडीशन है आपके पास, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और कुछ भी नहीं तो एल्स वाली परफॉर्म करनी है, ठीक है। इफ और एल्स दोनों एक साथ होते हैं हमेशा, ये देखें इफ इसमें कुछ नहीं था तो स्किप कर गए थे, लेकिन जब डबल इफ आता है तो आपके पास एक इफ की कंडीशन होती है, एक स्टेप एल्स की होती है। लेकिन आप मल्टीपल इफ में भी देखें तो आपके पास एल्स इफ से शुरू होगा, एल्स इफ, लेकिन लास्ट ब्लॉक जो है बेटा वो एल्स होगा हमेशा। आप किसी भी तरह के स्टेटमेंट में चले जाएं, देखिए बेटा एल्स इफ में ये थी, जब आप नेस्टेड इफ की बात करते हो तो बेटा इफ देखें, ये जो कंडीशन है ना, ये आप अगर देखें ये वाला पार्ट जिसको मैं आप हाईलाइट कर रहा हूँ राइट साइड पे, तो देखें ये इफ और एंड इफ, देखें एक एक बार आया था एल्स, बाकी सब में ये देख रहे हैं एक बार एल्स आया, सिर्फ एल्स की बात कर रहा हूँ। इस तरह यहाँ भी एल्स एक बार आया, लेकिन जब आप नेस्टेड की बात करते हैं तो नेस्टेड में मल्टीपल एल्स नजर आते हैं, एक वो जो लूप के अंदर का है नेस्टेड इफ का है, और एक वो जो पूरे कोड का है। ये इफ ये वाला, इस वाले इफ का एल्स ये है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशंस मीट हो रही है बेटा वो
ये वाली है कि ये हो तो फिर इस वाले else पे चले जाना, अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही तो इन नेस्टेड इफ वी हैव अ इफ कंडीशन विद एन इफ कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने बेटा यहाँ एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, तो आपको एक एग्जाम्पल दी है कि एक एल्गोरिथम लिखें जो स्टूडेंट्स के ग्रेड प्रिंट कर रहा है, अगर पासिंग मार्क्स 50 से अबव है तो उसके लिए क्या हो, सोडो कोड लिखें, तो सोडो कोड क्या है कि सिंपल से लिखा है इनपुट नंबर, इनपुट करने मार्क्स, मार्क्स नंबर की फॉर्म में होंगे, मार्क्स आर अबव और 50 और अबव प्रिंट पास। इसी तरह एल्गोरिथम लिखोगे इसका तो क्या होगा बेटा, सिंपल सा स्टार्ट एंड हो गया, स्टेप वन में आपने इनपुट करने है मार्क्स, दूसरे में कंडीशन लिखी है इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन प्रिंट पास, एल्स इफ, वरना छोड़ दो, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास था एक एग्जांपल जिसमें आपने सिंगल इफ की कंडीशन को फुलफिल किया था। इसी तरह बेटा यहाँ अगर हम देखते हैं तो दूसरी एक उन्होंने प्रॉब्लम दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रिंट करें, राइट करें एल्गोरिथम जो फाइनल स्कोर मालूम करे और बताए कि स्टूडेंट पास है या फेल है। देखिए बेटा यहाँ सिर्फ पास का पूछा था उन्होंने, फेल की कोई बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पास और फेल की बात हो रही है और कह रहे हैं फाइनल स्कोर जो है वो एवरेज होगा और पासिंग जो है वो 50 होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। अब एक लाइन ऐड हो जाएगी, जो अभी जैसे आपने ये दो लाइनें लिखी थी ना, अब यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाएगी सेंटर में, इनपुट फोर सेट ऑफ मार्क्स, चार सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं, कैलकुलेट करें उनकी एवरेज और डिवाइड करें उसको फोर से ताकि एवरेज निकला है। अगर वो कह रहे हैं एवरेज ब्लो 50 है तो प्रिंट करो फेल वरना पास है। तो आप देखें बेटा, अब आपने उसी को एल्गोरिथम में जब लिखा तो देखें स्टार्ट एंड हो गया, स्टेप वन क्या है बेटा इनपुट करें चार नंबर, स्टेप टू में आपने स्कोर लिया जिसमें आपने चारों नंबर का सम किया और डिवाइड करवाया फोर से, फिर आपने वो कंडीशन लिखी कि अगर लेस देन 50 हो स्कोर तो प्रिंट करना है फेल वरना प्रिंट करना है पास। तो ये बेटा आपकी डबल इफ की कंडीशन हो गई। इसी तरह बेटा आपके पास ये मल्टीपल इफ की कंडीशन आ गई जिसमें आपको जो है वो कहा गया है कि पास और फेल बताना है, लेकिन अब आपने क्या करना है उनका ग्रेड भी बताना है कि अगर मार्क्स इसके और इसके बिटवीन है तो ग्रेड जो है वो ई होगा, अगर मार्क्स 60-69 है तो डी होगा, 70-79 है तो सी होगा। तो आप बेटा इसका सोडो कोड देखें, तो इन्होंने डायरेक्ट एल्गोरिथम लिखा पहले, तो एल्गोरिथम में देखें बेटा स्टार्ट किया, स्टेप वन में नंबर आए, स्टेप टू में एवरेज आ गया, अब कंडीशन लगना शुरू हुई। देखें बेटा मल्टीपल इफ की कंडीशन है, स्कोर लेस देन 50 है तो पास कर दिया आपने, लेकिन अब इसके अंदर कुछ चीजें उन्होंने कही थी आपसे, वो चीजें क्या कही थी, अगर स्कोर ऐसा हो तो ग्रेड ये देना है, अगर स्कोर ऐसा हो तो ग्रेड ये देना है, अगर स्कोर ऐसा हो तो ग्रेड ये देना है, तो इस तरह बेटा, और अगर 50 से लेस हुए मार्क्स तो डायरेक्टली ये कुछ भी चेक नहीं होगा ग्रेड ग्रेड, आपने फिर डायरेक्टली ये लिखना फेल। फिर आप ये पूरा कोड नहीं पढ़ता प्रोग्राम, एल्गोरिथम जो बेटा अगर आपके लेस देन 50 हुए तो वो कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ से चेक किया उसने, जैसे इफ स्कोर लेस देन 50 हुआ तो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा अगर लेस देन 50 हुआ, वरना वो पास होगा तो फिर वो मार्क्स देखेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं देखता, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर थ्योरम में रेपिटेशन और सिलेक्शन एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं बेटा, कैसे, आपने कहा कि राइट अ व्हाइल लूप स्ट्रक्चर डिस्प्लेज एनी नंबर इनपुट बाय यूजर ऑन अ स्क्रीन एंड ओनली टर्मिनेट्स व्हेन द यूजर एंटर अ सेंशियल वैल्यू, अज्यूम दैट सेंशियल वैल्यू टू बी -1, ये सिर्फ तब रुकना है जब -1 एंटर करे, वरना जो है वो आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। आप देखिए इनपुट किया ए, ए इज नॉट इक्वल टू -1, बस ए जो है वो नॉट इक्वल टू -1 हो सकता है, वरना वो आपसे हर बार जो है वो वैल्यू पूछता रहेगा और रेपिटेशन और सिलेक्शन होती रहेगी उसकी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा एल्गोरिथम्स के बाद वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है बेटा, फ्लो चार्ट को जब हम डिफाइन करते हैं बेटा, फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि लॉजिक ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन परफॉर्म हुआ है उसकी लॉजिक क्या है, ठीक है। बेसिकली एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल स्टेप एंड देयर इंटरैक्शन इंटरकनेक्शन, और इसका जो फ्लो चार्ट जो है बेटा उसका जो फोकस होता है वो हमेशा फोकस ये होता है कि आपकी जो स्टेप्स हैं वो किस तरह परफॉर्म हुए, उनका इंटरेक्शन कैसे हुआ उसको देखता है। इट मस्ट हैव अ स्टार्ट एंड स्टॉप स्टेप, तो ऑब्वियस बात है बेटा जिस तरह मैंने एल्गोरिथम में आपको स्टार्ट और एंड बताया था ना, तो फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट और स्टॉप स्टेप जरूर होता है। ऑल स्टेप्स इन फ्लो चार्ट मस्ट कनेक्ट, और होता ये है बेटा कि आपके फ्लो चार्ट के जितने भी स्टेप्स हैं वो कनेक्ट हुए होते हैं। इफ यू कैन नॉट लीव अ स्टेप हैंगिंग विद नो कनेक्शन, आप कोई भी स्टेप बेटा खाली नहीं छोड़ सकते जिसका किसी से कनेक्शन ना हो या जो एम्प्टी हो, वो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन फ्लो चार्ट यू हैव टू मेक अ कनेक्शंस बिटवीन ऑल दी स्टेप्स, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है बेटा, आप अगर अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करें अपनी लॉजिकल सॉल्यूशन को तो आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। आप देख लीजिएगा कैसा होगा, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए बेटा फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल होते हैं, स्टार्ट और एंड सिंबल को आप इस ओवल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं,
स्टार्ट और एंड का जो ऑपरेशन है बेटा वो इस तरह शुरू होता है, आपका स्टार्ट में भी ये होगा एंड में भी यही आ रहा होगा, तो यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में जो सबसे पहले दो सिंबल बनते हैं शुरू में और आखिर में, वो ये है कि ये ओवल साइन जो है आपका ये आएगा, ठीक है। इसी तरह इनपुट और आउटपुट जो लिखा जाता है बेटा, व्हेन डेटा कम्स इन और इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड आउट, तो आपके पास ये जो कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम टाइप जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। प्रोसेस जो होता है बेटा, प्रोसेस आपका इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो है वो फुलफिल होता है, या ये जो है बेटा पैरेललोग्राम है ट्रेपीजियम में, तो पैरेललोग्राम के अंदर जो है बेटा आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, ठीक है। जबकि रेक्टेंगल के अंदर जो है बेटा आपका प्रोसेस शो होता है, कि जितना भी प्रोसेस होगा बेटा वो इस बॉक्स के साथ यूज होता है, कनेक्शन यूज टू शो करे कैलकुलेशंस स्टोरिंग डेटा इन वेरिएबल्स एंड अदर प्रोसेसेस। तो जो प्रोसेस के लिए सिंबल यूज होता है वो ये होता है आपका, ठीक है। इसी तरह बेटा डिसीजन है, डिसीजन के लिए ये वाला बॉक्स होता है, येस हो तो यहाँ जाओ, नो है तो यहाँ जाओ। तो डिसीजन के लिए बेटा आप ये सिंबल यूज करते हो, ठीक है, जिसकी आप हेल्प से जो है वो यू हैव टू परफॉर्म अ डिसीजन। और डिपेंड करता है बेटा कौन सी, अगर कंडीशन ट्रू है तो किस तरफ जाना है, कंडीशन फॉल्स है तो किस तरफ जाना है। तो यहाँ क्या, यूज टू शो दैट द फ्लो चार्ट मस्ट डिसाइड वेदर समथिंग यूजली अ कंपैरिजन बिटवीन नंबर इज इट ट्रू और फॉल्स। यहाँ जैसे आप लिखें कि 2 is greater than 3 हो तो यहाँ चले जाओ, 2 is greater than 4 हो तो यहाँ चले जाओ, तो ये सारी चीजें। इसी तरह बेटा कनेक्टर्स होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। फ्लो चार्ट के अंदर कनेक्टर्स का ये मतलब होता है बेटा जो स्टेप्स का कनेक्शन बताते हैं। यूज टू शो दैट फ्लो चार्ट कंटिन्यूज ऑन अनदर पेज, तो वो ये वाला सिंबल है, ये सर्कल है, ये बेटा आपका कनेक्टर होता है। इसी तरह फ्लो डायरेक्शन में बेटा आपके एरोज होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो दीज शोज द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो चार्ट। यहाँ देखिए बेटा एक उन्होंने प्रोग्राम लिखा है, यहाँ आपको एल्गोरिथम में लिखा हुआ मिला है, ठीक है, यहाँ उसने आपका फ्लो चार्ट बनाया है उस एल्गोरिथम से। तो मीन्स के यू हैव टू, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में और फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम में। तो दैट्स द दिस इज द बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट। देखिए बेटा यहाँ उन्होंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, प्रॉब्लम क्या दी है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर्स, यूजर्स से लेने हैं 2 इनपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है उसको और उसका आंसर प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो कुछ भी नहीं है बेटा एल्गोरिथम में, तो आप लोगों को आ गया होगा अब तक कि आपने स्टार्ट किया, एंड किया। स्टेप वन में क्या करना है, इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर्स, तो 2 इनपुट 2 नंबर लिए उसने बेटा W और M। फिर आपने दूसरा काम क्या था, क्या था, मल्टीप्लाई, कि उनको मल्टीप्लाई करो, तो आपने मल्टीप्लाई किया उन 2 नंबर्स को, किसी एक के अंदर स्टोर कर दिया, एक के अंदर स्टोर कर दिया आपने, फिर कहा प्रिंट है, तो जो आंसर होगा बेटा वो प्रिंट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। इसी तरह जब बेटा फ्लो चार्ट में जाएंगे तो आपको मैंने बताया था कि 2 चीजें देखनी है, स्टार्ट और एंड, तो दोनों ओवल सिंबल्स आपने ऐड किए, उसके बाद आपने यह वो पैरेललोग्राम ऐड किया जिसमें आपने इनपुट लिए, इनपुट क्या क्या थे, W और M थे। फिर उसके बाद आपने प्रोसेस के लिए, मैंने आपसे कहा था कि प्रोसेस जो है वो इस तरह होगा, ठीक है, इसी तरह आपने फिर वो इनपुट लिया, प्रिंट करना है एक, और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए यही सिंबल था पैरेललोग्राम, तो आपने इनपुट और आउटपुट के लिए ये लिया, प्रोसेस के लिए ये वाला सिंबल था रेक्टेंगल वाला, तो यहाँ आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म की और एंड कर दिया लोग को। तो डेट्स हाउ यू कैन परफॉर्म, यू कैन क्रिएट अ फ्लो चार्ट, ठीक है। इसी तरह एक और आपने फ्लो चार्ट लिया जिसमें उन्होंने जो है इसको इसमें आपको ट्राई किया कि आपको जो डिसीजन वाला बॉक्स था ना, ये वाला डिसीजन बॉक्स होता है, उसको हेल्प आउट करने की कोशिश की है कैसे होगा। तो देखें बेटा कुछ भी नहीं है, आपने जो अभी एल्गोरिथम बनाया था इसमें आपने पास फेल की कंडीशन लिखी थी ना, इफ एल्स की, सिंगल इफ वाली, सॉरी डबल इफ वाली, तो उसको उन्होंने यहाँ इंडिकेट करवाया कि राइट करें एल्गोरिथम और ड्रॉ करें फ्लो चार्ट फ्रॉम दिस को वेदर स्टूडेंट इज पास और फेल और प्रिंट करें आउटपुट स्क्रीन पे। तो कुछ भी नहीं है बेटा, एल्गोरिथम तो आपको लिखना आ गया माशाल्लाह से, आप स्टार्ट किया एंड है, स्टेप वन में नंबर लिए इनपुट, स्टेप टू में आपने कैलकुलेट की एवरेज, और अगर एवरेज लेस देन 50 है तो फेल है वरना पास है। तो आप इसको फ्लो चार्ट में कैसे करोगे बेटा, तो आपने याद रखना है स्टार्ट और एंड के लिए सबसे पहले आपने बना दिए बॉक्सेस, फिर उसने जो है वो इनपुट लिया, इनपुट के लिए आपको पता है पैरेललोग्राम लेना है, उसमें फिर आपने सारे इनपुट वैल्यूज लिखे, फिर प्रोसेस कहाँ हो रहा है बेटा, प्रोसेस एवरेज हो रही है तो एवरेज ली, उसके बाद फिर जो है डिसीजन बॉक्स पे गया, डिसीजन बॉक्स पे क्या लेना था, सिलेक्शन क्या करनी थी, अगर ग्रेड लेस देन 50 हो तो फेल हो जाओ, अगर लेस देन 50 है तो प्रिंट कर दो फेल को और एंड कर दो, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 50 हो तो क्या करो, प्रिंट कर दो पास और एंड कर दो। तो दोनों कंडीशंस में बेटा डिसीजन के बाद आपने एंड पे आना है। तो ये बेटा फ्लो चार्ट के से आप देखते हैं। इसी तरह बेटा ट्रेस टेबल और ड्राई रन होता है प्रोग्राम का, कैसे देखें, ड्राई रन क्या होता है, वर्किंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्राम मैनुअल, कि आप अपने प्रोग्राम को मैनुअली चला चला के देखते हो, ये ड्राई रन कहलाता है, मींस के आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा फिर उसको चेक किया, ये ड्राई रन है। ट्रेस टेबल क्या होता है, अ टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट एल्गोरिथम्स टू शो दैट दे वर्क विदाउट एनी एरर,
ट्रेस टेबल बेटा हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जो एल्गोरिथम है जब वो उसका उसको चेक किया जाए कि ये वेदर इट्स वर्क करेक्टली और नॉट, तो आपको पता चल जाए कि आपके एल्गोरिथम के अंदर कोई एरर नहीं है। तो ट्रेस टेबल इस तरह का होता है, देखिए बेटा हम ड्राई रन करते हैं उसको और ट्रेस टेबल बनाया हमने, फॉलोइंग इज द एल्गोरिथम, टेक अ नंबर ऑफ एन इनपुट, देखिए बेटा इनपुट लिया है, मल्टीप्लाई इट बाय टू, टू से मल्टीप्लाई करें और प्रिंट करें आउटपुट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मेक ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम। अब हम ट्रेस टेबल बना रहे हैं, देखें स्टार्ट किया, देखें ये ट्रेस टेबल बन गया। ट्रेस टेबल में क्या क्या चीजें हैं आप देखें, आपने एक्स लिया, एक स्टेप आ गए, कितने स्टेप में हो रहा है, एल्गोरिथम्स की लाइन एक्स वाई और आउटपुट कहाँ प्रिंट हो रहा है। तो देखें बेटा अब आपने इस एल्गोरिथम को यहाँ मैप करना है ट्रेस टेबल के अंदर, देखें स्टार्ट स्टार्ट में कोई एक्स वाई था नहीं था, आउटपुट था नहीं था, तो आपने जो चीजें नहीं थी उसमें डैश डाल दिया। उसके बाद स्टेप वन में उन्होंने कहा सेट करते हैं एक्स को जीरो के बराबर, देखिए बेटा आपने सेट किया एक्स को जीरो, तो एक्स की जगह क्या आ गया जीरो, लेकिन बाकी सारी चीजें नल है, ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ डैश डाल दिया। अब आपने इनपुट लिया वाई, आपने कोई एक इनपुट ले लिया वाई, ठीक है, और वाई की जो वैल्यू है वो इन्होंने यहाँ मिसिंग है बेटा वो फाइव ली है, ठीक है, यहाँ वो लेके आए हैं वैल्यू जो यहाँ नहीं लिखी बेटा इज इक्वल टू फाइव है यहाँ, सही है, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या आ गई, जो दूसरा आपका पार्ट है वो क्या इनपुट लिया वाई, वाई की वैल्यू आपने फाइव ली, जो यहाँ मिसिंग है इसको बेटा ऐड कर लेना, इनपुट वाई इज इक्वल, यहाँ अगर आप देखोगे ना बेटा तो यहाँ ये चीज है इनपुट वाई ऐसे लिखा हुआ है, सही है, तो इसलिए बेटा यहाँ आपके पास फाइव आया। तो आपने क्या किया बेटा, इनपुट वाई इज इक्वल टू दिस, तो आउटपुट अभी कुछ आया नहीं आया, तो फिर आपको क्या कहा गया कि यू हैव टू मेक अ प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या करना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई वाई विद टू, यही लिखा था ना मल्टीप्लाईज इट बाय टू, तो एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय टू, वाई की जो वैल्यू है उसको टू से मल्टीप्लाई करें और उसको एक्स में असाइन कर दें। तो जब आप बेटा ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अब एक्स की वैल्यू अपडेट होगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो थी आपने जो ली थी, अब यहाँ वाई मल्टीप्लाई बाय टू होता है एक्स में क्या आ गया टेन आ गया, यहाँ फाइव ही रहा और यहाँ डैश हो, तो अब आउटपुट एक्स क्या आ रहा है बेटा, आउटपुट में क्या आपको एक्स में क्या मिला टेन फाइव और आउटपुट क्या आ गया आपका टेन आ गया, जैसे ही हुआ फिर एंड हुआ और ट्रेस टेबल आपका खाली हो गया। तो इस तरह बेटा ट्रेस टेबल में हम काम करते हैं, यहाँ तक किसी को बेटा कोई मसला है तो मुझे बताओ, ठीक है, क्लियर है, तो इस तरह हम बेटा ट्रेस टेबल परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह बेटा आप अगर इसको देखें एल्गोरिथम को, फॉलोइंग दैट टेक फाइव नंबर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, कैलकुलेट करें एंड डिस्प्ले देयर सम एंड एवरेज, मेक ट्रेस टेबल फॉर डायग्राम द एल्गोरिथम, आपने इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाया तो आप सबसे पहले इसका एल्गोरिथम लिखा, सम जो है वो जीरो है, एवरेज भी जीरो है, टोटल नंबर है फाइव है, क्योंकि उन्होंने कहा पांच नंबर एज एन इनपुट लेना, इनपुट में आपके पास एन वन से एन फाइव तक के नंबर है, सम कैसे होता है बेटा आप इन सब नंबर को ऐड करेंगे, एवरेज कैसे होगा बेटा सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स के फाइव है तो डिवाइडेड बाय फाइव कर देंगे उनके सम को, प्रिंट करना है सम को और प्रिंट करना है एवरेज को, यही बात हुई है और एंड कर देंगे। तो यहाँ आप ट्रेस टेबल देखे बेटा, आपने स्टार्ट लिया सेट किया सम इज इक्वल टू जीरो एवरेज जीरो टोटल नंबर फाइव, तो कुछ भी नहीं होगा बेटा, एन वन की कोई वैल्यू नहीं है, एन टू की भी नहीं है, एन थ्री की भी नहीं है, एन फोर की भी नहीं है, एन फाइव की भी नहीं है, सम में जीरो है, एवरेज में जीरो है, टोटल नंबर फाइव है, आउटपुट कुछ भी नहीं निकला, ठीक। उसके बाद आपने इनपुट लेना है नंबर पांच, अब जब आप इनपुट लेंगे तो इट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट अ नंबर, तो आपने बेटा पांच नंबर ले लिए कोई से 25, 17, 34, 9, 75, सम में अभी भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ बल्कि हमने सिर्फ इनपुट का पार्ट परफॉर्म किया, तो आपने इनपुट के पार्ट को जब परफॉर्म किया तो आपने सिर्फ इनपुट की वैल्यूज को लिखा है, बाकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, ये वैसे ही चल रहा था, टोटल नंबर पांच आपने चलिए लिए फाइव लिया वाला। अब क्या कह रहे हैं सम में, अब सम में वैल्यू आएगी, मतलब जो सम वाला कॉलम है उसमें कुछ आएगा, एवरेज अभी भी जीरो रहेगा, आउटपुट अभी भी नल रहेगा, ठीक है, तो आपने सम लिया वैल्यू आ गई, एवरेज लिया फिर एवरेज वाली वैल्यू फिल हो जाएगी, उसके बाद आपने कहा प्रिंट सम इज सम, तो एवरेज वाला पार्ट जो है बेटा वो आउटपुट में आपके पास क्या आ रहा है, अब आप आउटपुट की तरफ आ गए, तो आउटपुट में क्या हुआ बेटा सम इज 160 जब आपने किया, एवरेज वाले में जब आएंगे तो वही सारी चीजें रिपीट होंगी, लेकिन सम क्या होगा सम इज 160 बट एवरेज जो है वो 32, एंड में फिर बेटा वो सबके सब खाली हो जाएंगे। तो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, तो इस तरह आप लोगों को भी एटलीस्ट ट्रेस टेबल बनाना आना चाहिए और जो है वो ड्राई रन परफॉर्म करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है बेटा हम जो है वो फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना, इसमें हम फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे क्लास, तो आप जो है बेटा मुझे कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुछ शेयर कर सकते, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।